नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आज लेके आया हूँ पार्ट टू J1 वीजा इंटरव्यू का। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन आपको दिख जाएगा जिसमें पार्ट वन की लिंक है। पहले पार्ट वन देखिए, उसके बाद पार्ट टू में आइए। पार्ट टू में मैंने डिस्कस किया है कि आपकी फ्लाइट का खर्चा कितना हुआ था, रूम रेंट कितना होता है, खाने का क्या हिसाब है, ये सब चीजें मैंने पार्ट टू में डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं पार्ट टू। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि भाई जब आपके पास वीजा आ गया, ठीक है, आप ले लिए, तो फ्लाइट का टिकट का खर्चा कितना आया था आपका? सबसे इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन। फ्लाइट का टिकट जो होता है वो डिपेंड करता है आप किस दिन काट रहे हो। ठीक है, मैं जब काटा था तो वो मतलब बहुत बिजनेस ट्रिप चल रहा था, मतलब बहुत बिजी चल रहा था, ठीक है, और काफी एक्सपेंसिव था। मेरे फ्लाइट का टिकट हुआ था 75,000। आपका एक बार का खर्चा 75,000 पड़ गया ना? बिल्कुल 75,000, और 35 आवर्स लगा था इंडिया से यूएस पहुंचने में। ठीक है, मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि सस्ते में टिकट कैसे बुक करना है, कभी डिटेल में। मेरा आने जाने का मतलब सस्ते में हो गया था, है ना। चलो आगे बात करते हैं। भाई जो राउंड ट्रिप का टिकट होता है, राउंड ट्रिप का टिकट सस्ता होता है और पहले बुक कर लेना पड़ता है। नहीं, एक और चीज है, मतलब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपन कंप्यूटर में जब ना कॉग्निटो मोड में जाते हैं और जब बुक करते हैं तो थोड़ा सा मतलब मान के चलो नहीं होगा ना 5,000 से 10,000 रुपए बच जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि पोर्ट ऑफ एंट्री, कई लोग इसको जानते नहीं है, लेकिन आपको वीजा मिल गया मतलब कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको यूएस में घुसने मिल जाएगा। तो पोर्ट ऑफ एंट्री का अपना एक्सपीरियंस बताइए भाई। देखो, जब कंपनी का जब इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाता है बंदा, तो बंदा सोचता है मैं यूएस पहुंच गया। नहीं, उसके बाद भी आपको दूसरा लेवल क्या होता है, एम्बेसी का वीजा मिल गया तो बंदा सोचता है मैं यूएस पहुंच गया। नहीं, जब तक बंदा यूएस पहुंचा नहीं तब तक मत सोचो कि तुम यूएस पहुंच चुके हो। सबसे टफ इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन। जब यूएस, जैसे मेरा हुआ था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क आया, मेरा भी वहीं पे हुआ था, न्यूयॉर्क में था। बढ़िया, तो आपको पता होगा वहां के बंदे लोग कैसे होते हैं, ठीक है। जो वहां के ऑफिसर सब थे, बॉडी शॉडी मस्त, ठीक है, हाइट पूरा सर पे बाल लगा, ठीक है, पूरे व्हाइट रेड होते थे। उसके बाद से पूछते भी थे ना, तो वो लोग पोलाइटली नहीं पूछते हैं, ठीक है। एक बंदा होता है कि थोड़ा पोलाइटली पूछते, भाई देखो हम छोटे मोटे आदमी इतने डरा के क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। बंदा वो सब पूरा सवाल पूछता है कि क्यों आए, ठीक है, तो अब पूरा वही एक्सप्लेन करना होता है जो एम्बेसी में एक्सप्लेन किए होते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करता है कि मैंने जो भी बोला वो लोग रिकॉर्ड करता है, फिर उसको टाइप करता है, टाइप करके यूएसए भेज देता है, और यहाँ पे अगर कुछ भी गलत हुआ तो बंदा पकड़ा जाता है। फिर आप इंडिया वापस कैसे जाओगे वो आपको सोचना है, ठीक है। तो बहुत सारा सवाल पूछता है, जैसे आप, हाँ, तो आपको वहाँ पे एक मतलब फॉर्म भी देता है, उसको फिलअप करना पड़ता है कि आपके बैग में क्या है, ठीक है, आप क्यों आए हो, क्या करोगे, फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद से आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, तो फिर वहां से आप हो गया, फिर आप पहुंच गए अपना ये। तो अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया आप तो यूएसए पहुंच गए, तो करोड़पति तो बन ही गए होगे आप। भाई सारा लोग ये सोचता है बंदा यूएस आ गया तो करोड़पति बन गया, मगर ये सच नहीं है। बंदा यूएस आके 4-5 साल रह लिया, घर वगैरह खरीद लिया, तब समझो कि करोड़पति हो गया। इतना आसान नहीं है कि यूएस पहुंचने के साथ ही बंदा करोड़पति बन जाए। सच है कि यूएस आके कमाई बहुत अच्छी होती है, मगर खर्चा भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, ये बहुत सही बात बोले। जैसे आप फेस किए होगे, अभी उबर जाते होगे तो हर एक राइड का कम से कम $25 तो देते ही होगे, है ना, 20-25 ऑन एन एवरेज है। सेकंड, अपने 1500 रुपए एक बार में गया, वही बोल रहा हूँ। और कैसे, और ये दूसरी बात ये बताइए, रूम रेंट कितना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कई बार, लेकिन आप भी बताइए। रूम रेंट का जो सवाल है, यहाँ का रूम जो होता है वो इंडिया के रूम से बहुत हटके होता है, ठीक है। यहाँ के रूम रेंट का क्या, यहाँ का है कि आपको एक फ्लैट टाइप मिल जाता है, ठीक है, आपको बाथरूम मिल जाएगा, डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा, बाथरूम आपको सेपरेट मिल जाएगा, प्लस रूम आपको मिल जाएगा। तो जैसे मेरा एरिया है, अगर कभी अच्छा ये रहा तो मैं अपने अपार्टमेंट का भी टूर करा दूंगा। मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन अपने अपार्टमेंट का टूर तुम कराना, ठीक
तो उसमें क्या है, दो रूम है, ठीक है, दो बाथरूम है, किचन है, डाइनिंग एरिया है। तो रूम में क्या है कि एक रूम में दो बंदा रहेगा, हर बंदे को $400 देना पड़ता, मतलब 25,000 रुपया, तो इंडियन 1,00,000 रुपया मान के चलो। लेकिन आप ये बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कि ₹1,600 रूम रेंट आप लोग दे रहे हो चारों लोग मिला के, $1,600 है ना, ₹1,600 बोल दिया, $1,600 रूम रेंट दे रहे हैं सब मिला के। क्योंकि मैंने जनरली बताया भी है कि अगर स्टूडियो अपार्टमेंट रहेगा, मतलब जो सिंगल, इधर पे मेरे एरिया में बता रहा हूँ, कई जगह पे सिंगल रूम रहता है, तो उसका भी जो चार्ज होता है वो मिनिमम 500 से चालू होता है मिनिमम, और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल जो पूरा है वो सब अलग से है ना। तो ठीक है, तो मतलब करोड़पति भी नहीं बने हो। बन जाओगे, बनोगे जरूर, लेके है ना, है ना, जरूर बनोगे, है ना। ठीक है, अब एक और बात करते हैं कि भाई खाना आपको फ्री मिलता है कि क्या है, खाने का क्या हिसाब है भाई? यूएस का क्या है ना कि हम जैसे इंडियन बंदे को यूएस का खाना पसंद नहीं आएगा, ठीक है, शुरू शुरू में 2-4 दिन बर्गर वगैरह खाओ, सही है, मगर मजा नहीं आएगा। उसके बाद से क्या होगा कि आपको तीखापन चाहिए, नमक चाहिए, तो वो उसके लिए आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा। मतलब मेरा इनडायरेक्टली ये पूछना है कि खाना फ्री में मिलता है कि खुद कर, खुद इंतजाम करना पड़ता है, खुद से इंतजाम करना पड़ता है। यही मैं चीज बोलना चाहता हूँ, स्कैम में लिखे रहता है खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री। यूएस में आप देखोगे कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी, कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलेगी, हर चीज के लिए आपको पे करना पड़ेगा, हर चीज का पैसा, बिल्कुल, है ना। चलो, तो भैया एक और क्वेश्चन होता है कि कोई टूरिस्ट वीजा में आके काम कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना, आप भी अलाउड ही नहीं है कि कोई बंदा टूरिस्ट वीजा में आकर के काम कर ले। आप जब आए होगे तो आपको भी सोशल सिक्योरिटी नंबर मिला होगा यहाँ पे। हाँ, सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ का बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में सब कुछ रहता है, आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटे से कार्ड में आपका पूरा बायोडाटा रहता है। अच्छा ये बताओ, आप मेरे को जैसे फोन पे बताए थे एक बार अपना एक्सपीरियंस कि आप सिर्फ दवाई खरीदने गए थे सर्दी खांसी की, तो उसमें भी आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करने के लिए उसने सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका मांगा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे कफ हो गया था, तो मैं दवाई लेने गया, तो वो पहले लिया नहीं, फिर मतलब बोला कि जाओ तुम डॉक्टर को दिखाओ ये वो, तो मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर मुझे बोला कि अपना पासपोर्ट दिखाओ, सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखाओ, मतलब पूरा दिखाओ, उसको भी यकीन हो कि तुम लीगली यूएस में, आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ता है ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब ना ये तो अपना पूरा लमसम में मैंने पूछ लिया, लेकिन इसके बाद मान लो किसी को और पूछना है तो वो आपको कहाँ खोजेगा, मतलब आप कहाँ हो, कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? भाई मेरा यूट्यूब चैनल है सैयद काजिम के नाम से, यूट्यूब पे वो लोग आ सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब कर सकते नहीं, करेंगे ही, है ना, जिंदाबाद सेना पूरी जाएगी और सब्सक्राइब करेगी, क्योंकि इतना समय आपने निकाला इस चीज के लिए, है ना। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछना, तो आप यूट्यूब के अलावा और कहाँ कहाँ अवेलेबल हो? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे वो लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगा, उसकी भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। तो अगर YouTube पे कांटेक्ट नहीं होता, Facebook भी है, Instagram भी है आपके पास, बिल्कुल ठीक है सैयद। Facebook और ईमेल, ये क्या बोलते हैं, YouTube पे क्या है कि सबसे बड़ी बात की टाइमिंग का बात होता है, ठीक है, क्योंकि यूएस की लाइफ आपको पता है बहुत बिजी होती है, तो अगर किसी बंदे को ऑन टाइम रिप्लाई नहीं मिले, तो मेरे को तो ईमेल में आता है गाली लिख के, ए साला तुम साला ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है, रिप्लाई नहीं देता है, या ईमेल आईडी क्यों बनाया है? अरे भाई उन लोगों को समझना चाहिए, पहला तो यहाँ दिन तो वहाँ रात तो यहाँ दिन, ठीक है, तो वो भी समझना चाहिए, प्लस यहाँ पे काम से आओ फिर खाना बनाओ, बहुत सारा झमेला भी होता है। चलो एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सब कुछ तो मेरे वीडियो में दिख जाता है, तो ऐसी क्या चीज है जो मेरे यूट्यूब पे नहीं है और आपके यूट्यूब में है? बिल्कुल ऐसा ये है कि मैं आपका कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मैंने एक दिन देखा कि बहुत सारे लोग बोले कि भाई यूएस घुमाओ, यूएस दिखाओ, न्यूयॉर्क प्लस न्यूयॉर्क घुमाओ, ठीक है, न्यूयॉर्क मतलब बहुत सारा पूछे, फिर जाओ बाहर जाओ दोस्त से मिलो, तो आपने बोला कि मतलब अच्छा नहीं लगता कि दोस्त के सामने कैमरा लेके खड़े हो जाओ और ये करो, मगर मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग उनके साथ हैंग आउट करते हैं, तो उन लोगों के साथ में वीडियो बनाते हैं, प्लस मैं न्यूयॉर्क जा चुका हूँ, तो न्यूयॉर्क की जो फेमस जगह, न्यूयॉर्क तो फेमस ही प्लेस है, मगर वहाँ पे बहुत ऐसी जगह है जहाँ घूमना हो, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ठीक है,
तो ऐसी ऐसी जगह मैं गया हूँ, वीडियो शूट किया हूँ, तो यूट्यूब पे मेरी भी वो वीडियो है, वो भी वीडियो लोग देख सकता है। और भी मैं शिकागो जाने वाला हूँ, शिकागो में वीडियो शूट कर, तो मतलब पूरा यूएस का जो ट्रैवल व्लॉग है वो आपके वीडियो पे मिलेगा उन लोगों को, बिल्कुल है ना। चलो भाई, तो मेरा समस्या आधा 50% मेरी समस्या 50% सॉल्व हो गई। जब बोलते हैं भाई लोग दिखाओ, तो आपके वीडियो में उनको दिख जाएंगे लोग, प्लस जो भी चीज होगा वो अपन दोनों मिलके पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को J1 वीजा पे आना है या जिस पे भी आना है, तो पूरी अपन कोशिश करेंगे अपने तरफ से। ठीक है, ठीक है सैयद भाई। एक बात और मैं बोलूंगा कि अगर आपके जैसे हम लोग के कन्वर्सेशन से लोग को बहुत बेनिफिट हुआ है, तो वो लोग अपना कमेंट छोड़े, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उन लोगों को हेल्प करें। ऐसे ही इंटरव्यू करेंगे, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप अपना देंगे, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई कमेंट सेक्शन में एक और चीज, पर्सनल चीज बोल रहा हूँ, इनका चेहरा थोड़ा बहुत सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप का दिखता है ना, तो कितने लोगों को लगता है कि दिखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मतलब 19 साल का अगर आप देखोगे लड़के को सिद्धार्थ मल्होत्रा के फोटो, तो थोड़ा बहुत इसके जैसा दिखता है, मेरे को ऐसा लगा, पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, चलो भाई सैयद भाई, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे भी और सैयद भाई को भी बहुत 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 अच्छा फीलिंग हुआ। और ये डायरेक्ट हमारा कन्वर्सेशन ऐसे ही नहीं हुआ, मैं कम से कम इनको 3 से 4 बार फेल्ड इंटरव्यू हुआ है हमारा, एक एक घंटे के इंटरव्यू पूरे फेल हुए, रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। तो भैया लाइक जरूर कर देना, प्लीज प्लीज सब लोगों से बोल रहा हूँ लाइक कीजिएगा, और दोनों के चैनल पे, उनके भी चैनल पे जाइएगा। तो हम लोग अभी, ये तो पहला वीडियो है, अगर अच्छा लगेगा लोग, अच्छा एम करते हैं इस पे अपन एम करते हैं 700 लाइक का। ठीक है, 700 लाइक जैसे ही हो जाता है मेरे में और आपके में 700 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, आराम से आ सकते हैं। मेरे पास अभी अपनी जिंदाबाद सेना का है 15,000 के ऊपर जिंदाबाद सेना है। अगर आपके में 700 सब्सक्राइबर, चलो 1000 सब्सक्राइबर अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन आप अपना काम धंधा छोड़ के CV कैसे बनाते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और हम लोग हर चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाँ। जो जिससे उन लोगों को हेल्प हो जाए। चलो, नहीं टारगेट किया है आपका 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हुआ उस दिन अपन, है ना, मेरा 700 लाइक्स, उस दिन अपन CV कैसे बनाते हैं आपके चैनल पे बना के दिखाएंगे, है ना, और ये चीज अपन करते हैं। तो ठीक है सैयद भाई, बात करके बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे से सेटल डाउन हो जाओ, है ना। अभी तो खैर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वापस आके सेटल डाउन हो जाओ, है ना। तो ठीक है भाई, सैयद भाई बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अब मिलते हैं अपन, बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब लाल वाला जो बटन दबाइएगा, और बगल में एक घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही मैं नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।